हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम फाइनल ईयर के 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजेरियल डिसीजन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऐसे ही 2-3 साल के PYQ चाहते हो तो आप हमारे कंटेंट से भी जुड़ सकते हो। आप PYQ हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ले सकते हैं। बात करें यहाँ पर पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देख लेते हैं। जैसा कि आपका 9 अप्रैल से एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, और आप कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोग पैटर्न भी देखते चलेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करो तो यहाँ पर 100 मार्क्स होगा। पेपर का पैटर्न भी देखते चलते हैं। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब पेपर में आपको 5 क्वेश्चन टोटल करने हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन जो है सबसे कंपलसरी अनिवार्य है जो आपको करने ही करने हैं। लेकिन बाकी के जो 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन की बी की बात करें तो उन दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे। इस पेपर में आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। पहला है आंसर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप 3 से 4 साल का पेपर उठा के देख लोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख कर जाओ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कंप्लीट कंटेंट चाहते हो, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, तो आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं। काफ़ी बच्चे ने उसको भी परचेस किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फंक्शंस और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। बी है एक्सप्लेन इन डिटेल द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए इसमें आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें, डेटर्स टर्नओवर रेशियो की, तो इसके बारे में डिटेल हमको बताना है कि ये दोनों क्या होते हैं। तीसरा है व्हाट इज़ द ब्रेक इवन सेल फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपके पास, यहाँ पर सेल्स दिए गए हैं, यूनिट सेलिंग प्राइस दिया गया है, और प्रोडक्ट ए बी एंड सी एंड यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 20,000 है और यहाँ पर 20,000 है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, ब्रेक इवन सेल क्या होगा। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए आपके फॉर्मूले होते हैं, उसी फॉर्मूले पे लगाना। अगर आप लोग की डिमांड रही तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग, अगर आप लोग की डिमांड रही तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस का क्या यूज़ होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और स्वीति लेखांकन क्या है, उसको समझाना है। तो टोटल आपके सेक्शन ए में कंपलसरी है जो कि 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आपका पहला पेपर जो कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन देना है, आंसर्स करना है, और ये जो है 1,000 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाएंगे। न्यूमेरिकल भी आपको हो सके देखने को मिल जाए, हो सके 4 क्वेश्चन हैं और 4 में से आपको 3 न्यूमेरिकल दे और 1 लिखने वाला, तो आपको वहाँ पर 1 न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत है, इसीलिए न्यूमेरिकल को भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर जो फॉलोइंग फिगर्स दिया गया है, सेल्स और प्रॉफिट दिया है 2 पीरियड्स का, जो कि यहाँ पर दिया गया है 2017 का 2018 का। सेल्स की बात करें और यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है 2,30,000 है, 2,40,000, 46,000, 2 सालों का दिया है। निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर आप लोग की डिमांड रही तो फिर, ठीक है। देखिए बिल्कुल टाइम तो नहीं रहता, लेकिन टाइम निकाल कर ही मैं इन सारी चीज़ों को आप लाती हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अगर जो भी हमसे हो पाए इंपॉर्टेंट तो वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करें। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द PV रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पर निकालना है। P है फिक्स कॉस्ट निकालना है। C है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। और चौथा कह रहा है प्रॉफिट एज एन एस्टीमेटेड सेल्स, अगर आपका 2,50,000 है तो। और 5th सेल्स रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। PV रेशियो का, फिक्स कॉस्ट, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और इनसे सारे, ठीक है। तो ये डिमांड रही तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक वीडियो करके सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग कर देंगे।
क्वेश्चन थर्ड है, फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अशोका लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017 एंड 18। 31 दिसंबर 2017-18 को अशोका लिमिटेड का ये एक बैलेंस शीट दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लाइबिलिटीज़ दिया गया है, अमाउंट, एसेट्स, ये सारा दिया हुआ है। यहाँ आपको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड ऑफ ₹46,000 वॉज पेड, 46,000 का जो है लाभांश भुगतान किया गया। बी है डेप्रिशिएशन, यहाँ पर देखिए आपको न्यूमेरिकल दिया गया, दो न्यूमेरिकल दिया गया और दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आता हो तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना आप थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। फिर यहाँ पर दिया डेप्रिशिएशन जो है रिटर्न ऑफ ऑन प्लांट 28,000, बिल्डिंग 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 66,000। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है यहाँ पर फॉर द ईयर इन द 31 दिसंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कौन कौन विशेषताएं हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको कैसे लिखना है, इससे जितनी भी आपकी मीनिंग डिफिनेशन, जितने भी चार्ट हैं, डायग्राम है, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करना है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताना है, यूटिलिटी बताना है और लिमिटेशंस, किसके उद्देश्य क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है और लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, प्रबंधकीय जो लेखा विधि है वो क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, कार्य क्या है, उस पर विवेचना करना है 20 मार्क्स के। तो जो भी क्वेश्चन देखिएगा 20 मार्क्स हैं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा। ज़्यादा मेरी डिमांड यही रहेगी थ्योरेटिकल पोर्शन को करिए, न्यूमेरिकल को नहीं। फिर यहाँ पर सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी में यहाँ आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 का ए देख लेते हैं, ये भी न्यूमेरिकल दिया गया है। देखिए न्यूमेरिकल कितने ज़्यादा पूछे गए हैं आपसे, न्यूमेरिकल का हम लोग, अगर आप लोग की डिमांड रही, आप लोग की अगर कमेंट सेक्शन में पिन करना, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो हम लोग उस न्यूमेरिकल को, सारे न्यूमेरिकल को एक वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रॉम द गिवन रेशियो अदर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, करंट एसेट्स और कैपिटल निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें 25% दिया है, नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें 20% दिया है, सेल्स या इन्वेंटरी रेशियो की बात करें 8 टाइम्स दिया है, और फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स 3/4, और फिक्स एसेट्स टोटल कैपिटल 3/2, फिक्स एसेट्स 15 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट, करंट एसेट्स एंड कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर ठीक ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्यूश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 10 मार्क्स के हैं सब। मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अंतर है, प्रबंधकीय वित्तीय लेखांकन में। 7th का ए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरियंस। बी है लेबर रेट वेरियंस, ये दोनों ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ 2,50,880 वॉज मेड एट द रेट 19, तो ये देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एक्सप्लेन जीरो बेस बजटिंग, शून्य आधारित जो बजट है वो क्या है। फिर 8th का ये देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी टफ है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विच रिपोर्ट्स आर सबमिटेड एट टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बी है यहाँ पर गोरखपुर इंफ्रा मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं डेटा, रॉ मटेरियल्स दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। अगर आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के PYQ चाहते हैं 3 to 4 ईयर्स, तो आप हमारे ले सकते हो, ठीक है। ये दिया हुआ है और यहाँ पर आपको निकालना है फ्लेक्सिबल द अबव कॉस्ट फॉर 50% नॉर्मल कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग द 1,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस जो है 128 पर यूनिट है। यहाँ पर प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट फॉर 80% नॉर्मल कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ अब, ठीक। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन पेपर था, देख सकते हैं आप कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में, पिछले वर्षों में। देखिए
यहाँ पर अगर आप पेपर उठा के देख ले रहे हो, यहाँ पर 2020 से लेके 20, 21, 22, 23, 4 साल का भी अगर पेपर आप उठा के लगा ले रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन ईजली फंस जाएंगे। तो पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाओ, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8896914354 पे। तो मैंने कोर्स भी यहाँ लॉन्च किया है, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है, कोई भी कोर्सेज हो, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों ने इसमें एनरोल किया है, आई थिंक 600-700 स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भी लिया है। अगर आप चाहते हो कि कहाँ से चीज़ें पढ़ें, आपको कोई भी UPH, कोई भी बुक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा।